जब रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था, यह कहावत अजमेर जिला पुलिस पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। यह बात इसलिए कह रहे हैं कि अलवरगेट और क्लॉक टावर थाना अंतर्गत तोपदड़ा और पालबीचला इलाके में बीती रात चोरों ने एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, आठ नहीं, पूरे एक दर्जन मकानों को निशाना बनाकर लोगों का चैन चुरा लिया, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास का नारा देने वाली पुलिस का यह नारा इन दिनों उल्टा साबित होता नजर आ रहा है। न घर सुरक्षित है, न दुकान, और न ही सड़क पर चलना या टेम्पो में सफर करना। हर जगह अपराधी बेखौफ आम नागरिकों का चैन और सुकून लूटने में जुटे हैं और पुलिस ऐसे कई मामलों की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कर रही। शुक्रवार रात पालबीचला बालूराम गली में रहने वाली पार्वती की यहां अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर 20 चांदी के सिक्के, दो चांदी की चूड़ियों सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। पार्वती की बेटी आरुषि ने बताया कि घर के सभी लोग जयपुर गए हुए थे, पीछे से पड़ोसियों ने चोरी की सूचना दी। अभी शिवरात्रि को ही मंडे पे गए थे जयपुर, और कल अभी सुबह फोन आया 4:45 बजे मेरे पड़ोसी उनका कि भाई ताले वाले टूटे हैं। उसने बताया था कि भाई यही बताया था कि पीछे का कमरा खुला है, अलमारी टूटी हुई पड़ी है, ये सारी चीजें। तो अभी देखा है तो वो कोई चांदी का सामान था, सोना मतलब चांदी के सिक्के थे, वो पैरों में पहनने वाली चांदी की चूड़ियां थी, वो गायब है फिलहाल। अभी तो इतना ही है, बाकी भारी भरकम सामान तो नहीं। जयपुर गए थे हमारी बेटी के पास, बड़ी वाली बेटी। फिर हमको सुबह समाचार मिले तो हम वहाँ से रवाना हो गए, भाई घर का ताला टूटा हुआ है, ऐसा सामान बिखरा हुआ पड़ा है ऐसा। हाँ बस आके देख के आए ही हैं, बस आके देखा है। मैंने 20 तो चांदी के सिक्के थे पुराने, और दो चूड़ियां थी चांदी की। दूसरी चोरी पास ही में रहने वाले रामदास प्रेस वालों के यहां हुई, जहां से चोर अलमारी का ताला तोड़कर 8,000 रुपए चुरा ले गए। तो नए मकान पे थे। अच्छा, बंद पड़ा था मकान। ठीक है, सुबह के देखा तो बस ये सुबह देखे थे, टूटे पड़े सब अलमारी का, सब खुला पड़ा सामान, कपड़ा लगता सब खिला दिया अलमारी में, 7-9 हजार रुपया ले गए। तीसरी वारदात रोडवेज में काम करने वाले ओम प्रकाश के यहां हुई, लेकिन जाग हो जाने के चलते चोर वहां से भाग छूटे। चौथी वारदात तोपदड़ा में ही बादामशाह सर्विस सेंटर पर हुई, जहां लगभग 70,000 की कंप्यूटर एसेसरी चोरी की गई। दरवाजा खोल के देखा तो गले में से पैसे गायब थे, और भी सामान डब्बों में से सब गायब था। और उसके बाद में देखते रहे, सब सामान दिखता रहा कि भाई इसमें ये यहाँ पे ये सामान नहीं है। और दुकान का नाम बदामसा सर्विसेज से है। फिर भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या क्या सामान गया? पेन ड्राइव, कैश, माउस, और भी जो लैपटॉप के से सामान रहता है छोटा मोटा, वो बहुत सही सामान, छोटी छोटी चीजें डाल डाल के ले गए। इसी तरह इलाके में रहने वाले सुरेश गढ़वाल, पूरन गुजराती, राम मिलन चौधरी, राजेंद्र चौहान आदि के मकानों में चोरों ने वारदात दर वारदात अंजाम देकर सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा ली। वहीं एक मकान से बाइक भी चुराई, लेकिन पड़ोसियों की जाग हो जाने पर चोर बाइक छोड़कर भाग छूटे। वहीं चोर हड़बड़ाहट में अपने साथ लाए बाइक को भी मौके पर छोड़ भागे। स्थानीय नागरिकों की सूचना पर क्लॉक टावर थाने से एएसआई राजेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से जानकारी लेकर अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, साथ ही चोरों द्वारा छोड़ी गई बाइक भी बरामद कर ली। ये हमारे पड़ोसी राम मिलन चौधरी है, उनका मकान है। ये अपने बच्चों की शादी कराने गाँव गए हैं। सुबह आँख खुली बोलकोनी से मैंने झांक के देखा, गेट खुला था। हमने कहा आगे देखे, नीचे आकर के देखा तो गेट खुला, अंदर का गेट खुला था, बाहर के गेट का ताला बाहर नाली में पड़ा था। अंदर देखा, इसका ताला एक टूट के यहाँ नीचे पड़ा हुआ था, ये गेट खुला था, यहाँ सामान बिखरा हुआ था, अलमारी खुली, अलमारी का सामान सारा बिखरा हुआ था।